हाय, सो दिस वीडियो इज़ टू अगेन एक्सप्लेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि दिल्ली की काउंसलिंग कैसे चलती है। देखिए, दिल्ली बहुत ही पिक्यूलर स्टेट है। मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया था, जनरली चार तरह के कॉलेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल प्राइवेट जिन्हें हम डीम्ड कहते हैं, और स्टेट प्राइवेट जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए। और सबकी काउंसलिंग का प्रोसीजर, MCC जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, वो सारे 100% सीट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स विच इज़ एम्स, जिपमर, BHU, AMU एंड AFMC की काउंसलिंग कराती है। MCC ही डीम यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग कराती है, और MCC 15% ऑल इंडिया कोटा फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से काउंसलिंग कराती है। हर स्टेट अपनी 85% रिमेनिंग स्टेट गवर्नमेंट सीट की कराता है, और 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कराता है। अब दिल्ली में क्या है, तकरीबन 10 मेडिकल कॉलेज हैं, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसे हम एम्स कहते हैं। तो एम्स की 100 की 100 सीटें पूरे हिंदुस्तान के लिए अवेलेबल है, एक्चुअली 107 टू बी प्रिसाइज, पूरे इंडिया के लिए अवेलेबल हैं। उसमें MCC ऑल इंडिया 100% सीट्स। एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है विच इज़ जामिया हमदर्द, विच इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट ऑल्सो, तो उसमें काफ़ी हैवी रिजर्वेशन है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। सो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक सेंट्रल डीम्ड हो गई, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है स्टेट का दिल्ली में। तो बाकी जो कॉलेज बच गए वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें हम बात करें तो बहुत वर्ल्ड फेमस मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस शाहदरा, नंबर 4 वर्धमान महावीर विद सफदरजंग हॉस्पिटल, नंबर 5 आपका RML हॉस्पिटल में PGI, नंबर 6 नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कॉलेज विद बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल, नंबर 7 बाबा राव अम्बेडकर कॉलेज विद बाबा राव अम्बेडकर हॉस्पिटल, और 8 आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस धौलाकुआं, विच इज़ ऑल्सो अटैच टू आर्मी हॉस्पिटल इन धौलाकुआं, कैंट एरिया बेसिकली। दिस पर्टिकुलर कॉलेज इज गॉट लॉट ऑफ रिजर्वेशन फॉर डिफेंस पर्सनल, मोर लाइक AFMC। नाउ वाई पीपल गेट कन्फ्यूज्ड कि ये 8 कॉलेज हैं, इनमें से इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सी बिकॉज कॉलेज के नॉट गिव द डिग्री, द डिग्री हैज़ टू बी गिवन बाई द यूनिवर्सिटी। तो इन 8 कॉलेजेस में सिर्फ 3 कॉलेज हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, विच इज़ मौलाना आज़ाद, UCMS और लेडी हार्डिंग। 5 मेडिकल कॉलेज की डिग्री IP यूनिवर्सिटी देती है, जो बाकी 5 बच गए। पर जब आप IP काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं तो आपको 2 उसमें नज़र नहीं आते, विच इज़ वर्धमान महावीर एंड राम मनोहर लोहिया। तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो IP का कॉलेजेस हैं, बट IPU की साइट पे जा रहे हैं काउंसलिंग करने के लिए, तो ये तो नज़र नहीं आ रहे। या जो हमारे क्लाइंट्स हैं कि सर आपने इनका फॉर्म नहीं भरा, तो बस दिल्ली में ऐसा होता है कि ये दो कॉलेज हैं, IP यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है, IP यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्निकली आते हैं, IP यूनिवर्सिटी अलग काउंसलिंग कंडक्ट करती है अपनी बाकी 3 कॉलेज के लिए, बट ये जो 2 कॉलेज हैं ये MCC काउंसलिंग कंडक्ट करती है लाइक दिल्ली के बाकी 3 कॉलेज के लिए। तो MCC जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल डीम्ड और 15% कोटा के लिए ही बनी थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी शुड़ा से कोई अपनी काउंसलिंग कंडक्ट नहीं करती, तो उसके बिहाफ पे MCC ही कर रही है। तो 100% सीट्स ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मौलाना आज़ाद, UCMS, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा तो उन्हें करनी ही थी, बट 85% फॉर दिल्ली स्टेट कोटा, सिमिलरली 85% ऑफ वर्धमान महावीर एंड 85% ऑफ राम मनोहर लोहिया। तो ये 2 कॉलेज हैं, ये आपको IP की लिस्ट में नज़र नहीं आते, ये आपको MCC काउंसलिंग में नज़र आएंगे, डिग्री लेकिन IP यूनिवर्सिटी देती है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, डिग्री चाहे IP दे चाहे कोई भी दे, दीज आर ऑल 10 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली आर वर्ल्ड क्लास। मतलब जामिया हमदर्द इज़ ऑल्सो प्रीटी हाई एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, और एक भी जैसा मैंने कहा प्योर प्राइवेट कॉलेज नहीं है, एंड मोर लेस ऑल द रेस्ट 9 कॉलेजेस विल बी इन द टॉप, यू नो, डेफिनेटली द टॉप 100 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिटी। और जो NIRF की रैंकिंग आती है उसमें तो यू नो एम्स दिल्ली, लेडी हार्डिंग, मौलाना आज़ाद, UCMS एंड वर्धमान महावीर, ऑल ऑफ देम आर इन द टॉप। और बाकी भी अगर अभी नहीं है तो शायद इसलिए नहीं है कि वो नए खुले हैं, आई एम श्योर कि 2-3 साल के बाद यू विल सी ऑल दिल्ली कॉलेजेस आर इन द टॉप, एंड दैट्स वाई मैनी पीपल ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दिस दिल्ली कोटा, सो दैट वी दे आर एलिजिबल फॉर द 85% दिल्ली सीट्स। सो आई होप कि दैट क्लैरिफाइज द पेक्यूलर केस ऑफ दिल्ली एंड
the MBBS education that is available for in Delhi for you. So I hope this video was helpful. Have a nice day. Bye-bye.